उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि 1 जनवरी 2023 के बाद पहली बार संक्रमितों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में 154 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। वहीं देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 80 लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 1014 सैंपलों की जाँच की गयी थी, इनमें 154 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। देहरादून जिले में 80, नैनीताल में 21, हरिद्वार में 17, उधम सिंह नगर में 9, पौड़ी और चमोली में 7-7, बागेश्वर में 5, अल्मोड़ा और चंपावत में 3-3, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले में 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। साथ ही आपको बता दें कि हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में भर्ती एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। हालांकि इस दौरान 101 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं।